दोस्तों यूं तो टीवी इंडस्ट्री में ना कई सारे ड्रामा शोज टेलीकास्ट होते हैं, लेकिन उन सभी ड्रामा शोज में से अगर किसी सीरियल ने अपनी हट कर एक अलग पहचान बनाई है तो वो है सिर्फ और सिर्फ नागिन सीरियल, जिसके अब तक टीवी पर ना 4 सीजन टेलीकास्ट हो चुके हैं, जिसमें से 5वां अभी फिलहाल प्रसारित किया जा रहा है। उन्हीं 5 सीजन में से हमें कई खूबसूरत अभिनेत्रियां देखने को मिली हैं, जिन्होंने नागिन के अवतार को बेहद खूबसूरत तरीके से निभाकर खूब फेम और शोहरत हासिल की है, जिसके चलते आज वो करोड़ों की मालकिन बन चुकी हैं। तभी तो उन्होंने अपनी मेहनत की कमाई से काफी ज्यादा एक्सपेंसिव और अट्रैक्टिव घर खरीदे हैं, जो दिखने में बेहद खूबसूरत तो हैं ही, लेकिन उनकी कीमत भी कुछ कम नहीं है, जिसे जानकर ना आप भी बिल्कुल हैरत में पड़ जाने वाले हैं। आखिरकार कितने महंगे बंगलों में रहती हैं वो सारी की सारी अभिनेत्रियां, आज की हमारी इस वीडियो में ना हम आपको उन्ही सारी अभिनेत्रियों के एक्सपेंसिव हाउस से रूबरू करवाएंगे, जिसे देखकर आप भी कहेंगे ओ माय गॉड। तो चलिए फिर देर ना करते हुए और बिना वक्त गवाए जल्दी से जान लेते हैं कि कौन सी है वो नागिन एक्ट्रेसेस। नंबर 1, अनिता हसनंदानी। नागिन के तीसरे सीजन में विशाखा का किरदार निभाकर सभी का मन मोह लेने वाली अभिनेत्री का नाम इस लिस्ट में सबसे पहले शुमार होता है, जिन्होंने अपनी मेहनत के दम पर मुंबई के लोखंडवाला में पूरे 3 करोड़ रुपए का आलिशान फ्लैट खरीदा है, जिनमें आपको हर फूफ फैसिलिटी देखने को मिलेगी। इसी के साथ साथ ही इन्होंने अपने घर की दीवारों को क्रीम कलर से डेकोरेट किया है, साथ ही साथ इनके घर में सुंदर सुंदर सोफे सेट और साथ ही झूमर इनके घर में 4 चांद लगाते हुए नजर आ रहा है, जैसा कि आप इनकी तस्वीरों में भी देख रहे हैं। नंबर 2, सुरभि चंदना। वर्तमान में नागिन 5 शो में बालिका किरदार निभाकर सुरभि चंदना का सभी दर्शकों की दिलों की रानी सी बन गई हैं और असल में भी एक रानी की तरह ही रहती हैं, जो मुंबई में 5 करोड़ के बने आलीशान अपार्टमेंट में सरवाइव करती हैं, जो कि 3 BHK वाला काफी बड़ा और आलीशान फ्लैट है, जिसे इन्होंने काफी कलरफुल तरीके से डेकोरेट किया है और लग्जीरियस चीजों के साथ, इसीलिए तो इनके घर का कोना कोना काफी सुंदर दिखाई देता है। नंबर 3, अदा खान। अदा खान नागिन के 1 और दूसरे सीजन में काली नागिन उर्फ नागिन शेषा का किरदार निभाकर एक घरेलू नाम बनी थी, जो आज पर एपिसोड 1 लाख से भी ज्यादा रुपए चार्ज करती हैं और अपनी इसी मेहनत की कमाई से इन्होंने मुंबई के अंधेरी में 7 करोड़ रुपए का फ्लैट लिया है। इनका ये फ्लैट 3 कमरों वाला BHK है। इनके फ्लैट में हर एक खिड़की से बेहद सुंदर नजारा देखने को मिलता है। सुंदर घर के साथ साथ ये स्कॉडा जैसी गाड़ियों के भी मालकिन है। नंबर 4, मौनी रॉय। नागिन 1 और 2 की लीड हीरोइन शिवन्या और शिवांगी के किरदार से फेमस हुई अभिनेत्री मौनी रॉय आज टीवी की हाई स्पीड एक्ट्रेसेस में शुमार हैं, जो कि पर एपिसोड का 1.25 लाख रुपए तक चार्ज करती हैं और अपनी इसी कमाई से इन्होंने मुंबई के जुहू में 11 करोड़ रुपए का एक लग्जीरियस अपार्टमेंट खरीदा है। इनका ये अपार्टमेंट बेहद आलीशान है, जिसमें एक बड़ा सा लिविंग रूम है और वहाँ पर भगवान का मंदिर भी स्थापित किया हुआ है। साथ ही इनके घर के हर एक एंगल से समुद्र का नजारा भी देखने को मिलता है। इस घर के साथ साथ ये मर्सिडीज जैसी महंगी गाड़ी की भी मालकिन है। नंबर 5, सुरभि ज्योति। नागिन 3 में बेला का किरदार निभाकर सुरभि ज्योति एक घरेलू नाम बन गई थी, जो कि आज अपने हर शो में काम करने का पर एपिसोड लाखों रुपए चार्ज करती है और एक्टिंग करके ही इन्होंने मुंबई के सबसे महंगे मलाड एरिया में 2 BHK फ्लैट खरीदा है, जिसकी कीमत करीब 8 करोड़ रुपए है, जिसे इन्होंने काफी सुंदर तरीके से सजाया है। बड़े बड़े रेड सोफे और क्रीम वॉल पेंट के साथ, जो इनके घर को एक क्लासी लुक देता है। क्लासी घर के साथ साथ इनके पास ह्यूंडई वर्ना जैसी कई गाड़ियां भी शामिल है। वेल दोस्तों, इनमें से किस अभिनेत्री का घर सबसे ज्यादा आपको अट्रैक्टिव लगा, आप हमें उनका नाम ना कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा जरूर, और साथ ही साथ ऐसी ही मसालेदार खबरों को जानने और पाने के लिए आप हमारे चैनल को तुरंत के तुरंत सब्सक्राइब करें।